आग्रह करूंगा कि वो क्लस्टर की ओर से हमारे आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि मैडम शारदा जी को गिफ्ट।
आज के हमारे विदाई समारोह के मुख्य अतिथि मैडम शारदा जी, उनके साथ आए उनके बेटे धीरज नेगी जी, बेटी आंचल नेगी जी व भतीजी स्नेहा का मैं अध्यक्ष पीटीएफ कल्पा मोहिंद्र जी, स्थानीय पाठशाला के केंद्र मुख्य शिक्षक श्री कर्मा जी, श्री टिकोंगी श्री सूर्यान जी, पीटीएफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैडम हेमा जी, कोषाध्यक्ष जगमोहन जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे बसंत जी, कमला मैडम जी व एचडी रोगी श्रीमती सोनम में उपस्थित सेवानिवृत्त मुख्य शिक्षिका मैडम सविता जी, स्थानीय पाठशाला के एसएमसी के पदाधिकारीगण व इस पाठशाला के समस्त शिक्षकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो मैडम जी ने थोड़ा इनके जीवन के बारे में परिचय देता हूँ। इनकी पैतृक जन्मभूमि गांव मेवर में है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मेवर से ही दी तथा उच्च शिक्षा इन्होंने सांगला से प्राप्त किया। उसके पश्चात मैडम जी इस विभाग में सर्वप्रथम 3 अक्टूबर 1991 में इन्होंने एज ए शिक्षिका के तौर पर अपना कार्यभार स्थानीय पाठशाला में ही ग्रहण किया। जहाँ तक मैं देख रहा था तो मैडम जी की ज्यादातर सर्विस, जैसा कि हमारे सचिव जी ने इनके जीवनी के बारे में सब कुछ बता दिया, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि ये इन जाने का दुख सबको होता है, किंतु ये खुशी जरूर होता है कि जो जा रहे हो वो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और अपनी सेवानिवृत्ति में खुशी खुशी अपने हर खुशियों को लेकर सेवानिवृत्त हो, तो यही मैडम जी में है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कल्पा पीटीएफ की तरफ से कि इनका आगे का जीवन भी इसी तरह सुखमय और दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसा समय बीते कि ये हंसते खिलते और अपनी कोई भी बीमारी इनको ना लगे। और इसी तरह इसी कामना के साथ मैडम जी को इस विदाई समारोह पर फिर दोबारा तय दिल से कल्पा ब्लॉक की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि इन्होंने हमारी एक छोटी सी इस पार्टी समारोह में भाग लिया। और उम्मीद करते हैं इनका आगे की जीवनी सुखमय व्यतीत हो और कभी भी शिक्षा विभाग को इनकी आवश्यकता पड़े तो ये जरूर हमारे विभाग के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। द्वारा जो पीटीएफ की तरफ से सभी हमारे रिस्पेक्टेड पदाधिकारी आए हैं उनका उन्होंने स्वागत करता हूँ और इनके साथ आए अपने सपुत्र सपुत्री और भतीजी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 33 साल के बाद 33 साल शायद आप लोगों को आपकी माता जी ने समय भी ठीक से दिया होगा, नहीं दिया होगा पता नहीं, क्योंकि हम किसी के नौकर हैं, उस नौकरशाही में हम उलझे हुए थे। अब आपके हवाले हैं, आपकी मम्मी, जब आपने सेवा करना है आप अपनी मम्मी की जो कुछ आप कह सकते हो आपके हाथ है, आपके हवाले है। अब तो ये मान के चलो कि आप जो भी आपके पास समय बचा है, भगवान करे बहुत दीर्घायु रहे, जो समय बचा है उसमें बहुत आपका परिवार खुशमय रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद। आदरणीय केंद्र मुख्य कल्पा खंड प्रधान महेंद्र कुमार जी और जिन जिन पाठशालाओं से आए अध्यापकों आप सभी का इस आयोजन का आभार प्रकट करना चाहती हूँ।
इतनी योग्य तो मैं हूँ नहीं, जिन शब्दों से आप लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैंने अपने अनमोल दिन आप लोगों के साथ बिताया, आप लोगों का हमेशा मेरा साथ रहा, एक परिवार की भांति मिलकर कार्य किया। मैं ज़्यादा न कहते हुए भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का आने वाला दिन शुभ हो, मंगल हो। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा कर देना। एक गुजारिश है आप सभी से मेरा कि आप सभी मेरे घर तक चले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।